स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में। आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंड करने में कि वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे मैं कोई बीकर लेता हूँ, यहाँ पे हमने दो बीकर लिए हैं और एक बीकर के अंदर मैं क्या डालता हूँ, प्योर वाटर। मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, बीकर नंबर ए, बीकर बी। ए बीकर के अंदर मैंने प्योर वाटर डाल दिया है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से फ्रीली मूवमेंट करेंगे, इंडिपेंडेंटली ये फ्रीली मूवमेंट करेंगे। वही बीकर बी के अंदर मैं ऐसे ही प्योर वाटर डाल रहा हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया, और इसके अंदर कुछ भी सॉल्यूट डाल दिया, जैसे शुगर या साल्ट, ऐसा कुछ भी हमने सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूट यानी शुगर या NaCl के पार्टिकल्स इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूवमेंट नहीं होने देंगे। बीकर ए के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि बी के अंदर सॉल्यूट ने इनके मूवमेंट को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। तो इस बीकर ए के अंदर, ध्यान से सुनिए एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट यहीं पर है बस, और बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। बीकर ए के अंदर तो वाटर है, इसकी पोटेंशियल यानी कि इसके काम करने की शक्ति ज़्यादा है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है, यानी कि अच्छे तरीके से फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, तो इसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। वही अगर बीकर बी के बारे में बात करें तो इसकी वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए मैं पी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वाटर पोटेंशियल कम होगी। और वही अगर बात करें सॉल्यूट पोटेंशियल की, तो ध्यान देने वाली बात है, एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि सॉल्यूट की पोटेंशियल, सॉल्यूट ने जितनी वाटर की पोटेंशियल को कम किया है, क्या दोबारे से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्यूट जब हमने ऐड किया और उस सॉल्यूट ने वाटर की पोटेंशियल, वाटर की काम करने की शक्ति को जितना कम किया है, वो ही क्या होता है, सॉल्यूट की पोटेंशियल होती है।